मटीरियल्स में मैं मतलब इस इज माय सॉर्ट ऑफ वीकर पार्ट क्योंकि मैं जब इतना ज़्यादा स्पेस और आर्किटेक्चर पे इतना मेरा फोकस होता है और फॉर्म मेकिंग एंड रिलेशनशिप विद इंटीरियर एंड एक्सटर्नल स्पेसेस मेरा मटीरियल्स पे मैं हालांकि इट्स बेस्ट टू डिसाइड देयर एंड देन कि वॉट इन्वायरमेंट विल गो बेस्ट विद विच मटीरियल लेकिन मैं उसको जरा पेंट करता हूँ आई हैव दिस टेंडेंसी टू पेंट द मटीरियल टिल आई रियली एम कन्विंस्ड अबाउट द स्पेस इन फॉर्म विच आई एम लुकिंग फॉर लेकिन उस उसका भारत हुआ ये कि मैं बहुत लिमिटेड uh, मेरा कैनवस है स्पेक्ट्रम uh, है जिसमें मैं मटेरियल्स में रहता हूँ मैं जो नेचुरल मटेरियल्स के अलावा मैं आई कैन नॉट रियली थिंक ऑफ द आर्टिफिशियल मटेरियल्स लाइक लूका पैनल्स एंड ऑल मुझे ये मट्टी की चीज़ और पत्थर के अलावा रियली really मेरे माइंड में नहीं कुछ आता ये घर अगेन इट स्पीक्स फॉर वॉट आई Think about architecture. It comes to mass production like you know, flooring on big scales. So, both obviously, we have these industries producing mega production of tiles and all. But, if I will only go for the natural materials. I used brick use, fair -face concrete use. fair concrete it's a modern material, but again, it comes from stone crushing and mixing of uh, adhesives. तो इट्स अगेन स्टोन एंड लाइम दैट यू हैव सो अगेन वो नेचर जब प्लास्टर में भी नेचर है ईंटों में है मट्टी है दैट्स आस मटेरियल इज नाट अबाउट हाँ जो मेटल का यूज है वो जो क्योंकि कंटेप्रेरी uh, काम में आपको पता है अगर आप लिविंग इन दी फर्स्ट सेंचुरी एंड आप उस मटेरियल्स को ना बिल्कुल ही इग्नोर करें वो तो पॉसिबल नहीं है और मेटल की वर्सिटैलिटी अगेन वो मैंने काफ़ी एक्सपर्ट की है used in bridges and cantilevers and uh, you know shades and projections so i think it's uh, stone and uh, clay and, uh, and metal that's the vocabulary